नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल में। और आज मैं हूँ चित्रकूट धाम में, जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा में बसा हुआ एक सबसे प्राचीनतम धार्मिक स्थल है, जो कि मंदाकिनी नदी के तट पर बसा हुआ है और चारों तरफ से विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। चित्रकूट धाम की हमारी यात्रा प्रारंभ होती है गुप्त गोदावरी से, जो कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। और ये एक पर्वत श्रृंखला के नीचे दो गुफाएं हैं। प्रथम गुफा में पानी नहीं है और इसके घुसने का रास्ता काफ़ी संकरा है, लेकिन जब आप गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं तो काफ़ी चौड़ी बड़ी और ऊँची गुफा सामने आ जाती है। इस गुफा के अंदर काफ़ी सारे छोटे छोटे मंदिर हैं, जिसका आप दर्शन करते हुए आगे बढ़ते हैं। दूसरी गुफा में प्रवेश करने के बाद आपको घुटनों तक गहरा पानी मिलता है और इसी पर चलना होता है, जो कि काफ़ी फिसलन भरा है और गुफा भी काफ़ी सकरी है। इसलिए अब अगर आपको सांस लेने में दिक्कत है और बंद जगह से दिक्कत महसूस होती है तो आप इस गुफा में प्रवेश ना करें। गुप्त गोदावरी के भ्रमण के बाद हम आए हैं सती अनुसुईया के आश्रम। ये आश्रम पार्किंग से लेके कुछ पैदल चलने तक काफ़ी सारा शॉपिंग एरिया है। उसके बाद आश्रम आता है सामने, जिस बहुत ही सुंदर है। और इस आश्रम के सामने ही गोदावरी नदी है, जो कि बहुत ही सुंदर है। ये माना जाता है कि इसी स्थान पर महर्षि अत्रि ने सती अनुसुईया के साथ में तप ध्यान किया था। सती अनुसुईया के आश्रम देखने के बाद अब हम जा रहे हैं चित्रकूट शहर की ओर वापस। और चित्रकूट शहर में प्रवेश करते ही सबसे पहले हमको मिलता है राम दर्शन आश्रम। राम दर्शन आश्रम, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, एक ऐसा आश्रम है जहां पर श्री राम के जन्म से लेके उनकी पूरी उम्र का एक सजीव चित्रण किया गया है, जो कि देखने में सच में बहुत ही रोचक है। राम दर्शन आश्रम के समीप ही स्थित है स्फटिक शिला, जो कि एक बड़ी चट्टान है मंदाकिनी नदी के किनारे। और ये माना जाता है कि इस पर जो चरणों के चिन्ह हैं, निशान हैं, वो श्री राम और सीता के हैं। चलिए इसके बारे में पंडित जी से ही सुनते हैं। जंगल से फूल लाए, शिला में बैठ करके भगवान खुद अपने हाथों से गहरा गहरा बनाया, और जगत जननी माता सीता जी का भगवान ने श्रृंगार। तभी इंद्रगण का जयंत कौवा का रूप बनाया और भगवान की परीक्षा लेने के लिए माता के पैर में चोंच मारा। जब खून बहने लगा तो भगवान ने तिनके का बाण मारा, कौवा तीनों लोक में गया, लेकिन कोई बचाया नहीं, क्योंकि राम के द्रोही को कौन बचाएगा। तब नारद देखा निकल जयंत का और लाग गया कोमल की। नारद जी ने कहा कि तू भगवान के पास जा, वही तुम्हारी रक्षा करेगा। तब दोबारा आया मां
स्फटिक शिला के समीप ही मंदाकिनी नदी के किनारे एक और बहुत ही खूबसूरत स्थान है जिसको जानकी कुंड कहा जाता है। ये माना जाता है कि वनवास के दौरान माता जानकी इसी कुंड में स्नान किया करती थी। अब हम केवल कार के माध्यम से एक और पहाड़ियों पर स्थित बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर जा रहे हैं जिसको हनुमान धारा कहा जाता है। यहाँ पर केबल कार सर्विस अभी हाल ही में प्रारंभ हुई है जिसका कि चार्ज 130 रुपये प्रति व्यक्ति है। और जब आप इस केबल कार में ऊपर चढ़ने लगते हैं तो ऊपर से पहाड़ी से नीचे का नज़ारा बहुत ही सुंदर होता है। अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और आप भी मेरे सामने जो पानी की धारा बहते हुए देख रहे हैं, इसी पानी धारा की वजह से इस जगह का नाम हनुमान धारा है। और इसी पहाड़ी में और ऊपर चढ़ें तो एक स्थान है जिसको सीता की रसोई कहा जाता है। ये माना जाता है कि माता जानकी ने इसी स्थान पर ऋषि मुनियों को खाना बना के खिलाया था। और इसी के साथ हम अपने चित्रकूट धाम की यात्रा के आखिरी स्टॉप में आ गए हैं। यहाँ पर कामतानाथ मंदिर के दर्शन के साथ ही कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा प्रारंभ होती है। और इसी के साथ ये मेरा वीडियो अब ख़त्म होता है। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग फोटोज़ और वीडियोस देखने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं। हमारी चित्रकूट धाम की यात्रा समाप्त होती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मुलाकात होती है अगले किसी अच्छे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।